नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। चीन इस वक्त बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। चीन में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जान और माल दोनों पर ही कोरोना भारी पड़ रहा है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और चीन इस सच्चाई को छुपा रहा है। ये खबरें लगातार सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर चीन के कोरोना वायरस से जुड़ी एक और खबर तेजी से वायरल हो रही है। चीन सरकार ने गुरुवार को बेकाबू होते जा रहे कोरोना वायरस को लेकर सुप्रीम पीपल्स कोर्ट में अपील दायर कर इस वायरस से पीड़ित 20,000 मरीजों को मारने की मंजूरी मांगी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन कोरोना वायरस से पीड़ित 20,000 लोगों को मार देना चाहता है ताकि ये वायरस पूरे चीन को खत्म ना करे, ताकि चीन अपने हेल्थ वर्करों को ना खो दे, ताकि चीन की अर्थव्यवस्था कंगाली से बच सके। हालांकि अपील को लेकर किसी एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है, मगर सोशल मीडिया पर इस संबंध में खबरें प्रसारित हो रही हैं। सरकार ने कोर्ट को बताया कि अस्पतालों में वायरस से पीड़ित मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण उसे अपने हेल्थ वर्करों को खो देने का डर है। साथ ही ये भी कहा कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों के कारण दूसरे मरीजों के संक्रमित हो जाने की भी आशंका है। कोर्ट में अपील दायर करते हुए सरकार ने कहा है कि कुछ मरीजों का बलिदान नहीं दिया गया तो देश को अपने सभी नागरिकों को खोना पड़ सकता है। अपने हेल्थ वर्करों और करोड़ों लोगों को बचाने की सरकार को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की दूसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी टेंसेंट की ओर से शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों में 24,598 मौतों की बात कही गई थी। यही नहीं, इससे प्रभावित लोगों की संख्या 1,54,023 बताई गई थी। ये आंकड़ा शनिवार को जारी किया गया। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि बीते 4 दिनों में ये आंकड़ा कितना बढ़ गया होगा। कंपनी के आंकड़ों और चीन सरकार के आंकड़ों में धरती आसमान का फर्क है। चीन सरकार के आंकड़ों के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 563 है, जबकि टेंसेंट कंपनी के लीक डाटा के मुताबिक मरने वालों की संख्या 24,598 है। यानी कि चीन कोरोना वायरस की भयावहता को दुनिया से छुपा रहा है। इस सब के अलावा कोरोना हर दिन चीन को कंगाली की तरफ ले जा रहा है। वो चीन जो खुद को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बताता है, इस वायरस के सामने लाचार है। चीन हर दिन अपने लोगों को और अपनी अर्थव्यवस्था को अपनी आंखों के सामने गिरता देखने पर मजबूर है। पूरी दुनिया ने चीनी सामान लेने से इनकार कर दिया है। कोरोना वायरस के डर से पूरी दुनिया ने चीनी सामान लेने से इनकार कर दिया है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।